वणक्कम पब्लिक, क्या हाल है दोस्तों। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, और मैं हूं फिलहाल तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में, और चेन्नई में मैं हूं फिलहाल चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पे। और यहां से हमारा एक एडवेंचरस और मतलब जिसका एक ट्रैवलर का ड्रीम होता है, एक ड्रीम सफ़र शुरू होने वाला है। जी हाँ, आज हम जर्नी करने वाले हैं 1685 बोटमेल एक्सप्रेस में। जी हाँ, बोटमेल एक्सप्रेस के बारे में आपको और एक चीज़ें मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। पहले अंदर चलते हैं क्योंकि भीड़ हो रही है, लोग देख रहे हैं मेरे को ब्लॉग करते हुए। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट लोगों को दिक्कत ना हो। चलते हैं जल्दी से अंदर और खूबसूरत सा चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन। चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पर आपको क्लोक रूम में मिल जाएगा, तो आप अपना सामान रख सकते हो। हम नहीं रख रहे क्योंकि हम जा रहे हैं AC वेटिंग हॉल में, आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद, बैग वैग स्कैन करने के बाद, यहाँ से एंट्री चेन्नई एगमोर स्टेशन वेलकम्स यू। गाइस, एगमोर रेलवे स्टेशन इतना सही है ना, मतलब क्या बताऊँ। अपना जो चेन्नई सेंट्रल है उसके जैसा ही है। तो अभी हमारी ट्रेन आएगी 16851, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे है। तो एक्चुअली एक सीन ऐसा है कि हमने दो बार टिकट निकाली, एक बार तत्काल में निकाली बट वो भी कंफर्म नहीं हुई, और जनरल वेटिंग 4 भी कंफर्म नहीं हुई हमारी। तो अभी हम देखेंगे क्या करते हैं। ऑनबोर्ड जो भी TC होंगे उनसे बात करके क्या होता है देखते हैं पहले। और यार, ये तो बहुत ही क्राउडेड स्टेशन है यार। इस टाइम अगर आप आते हो तो क्राउड बहुत देखने को मिलेगी। और कितना खूबसूरत है देखो, अंदर से भी बाहर से, मतलब अपना टर्मिनल स्टेशन है ये। अपना जो चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन है वो है 11 प्लेटफॉर्म का, और हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, मतलब आ चुकी है, सेंट हो चुकी है। तो भाई टीचर सर से बात करते हो, बने रहेगा वीडियो में, आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है। तो ये है हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, और दरवाजे वगैरह ओपन हो चुके हैं। बोटमेल नहीं तो इंडो श्रीलंका एक्सप्रेस, 1900 के दशक में पहले ये ट्रेन चलती थी चेन्नई एगमोर से सीधा श्रीलंका, श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो तक। बट बाद में, जो कि आपको पता होगा कि जब वो फ्लड आया था उसके बाद से ये ट्रेन बस ट्रेन सिर्फ रामेश्वरम तक ही, अभी तक सिर्फ रामेश्वरम तक चलती है। रामेश्वरम के आगे नहीं लाइन जाती कोई भी, और ये ट्रेन प्रॉपर जो पाम्बन ब्रिज से जाएंगी, तो आपको वो भी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भी देखते हैं TC सर से, तो अभी बात करते हैं क्या होता है। और ये है पूरी ICF ट्रेन है। AC के TC से बात की, उन्होंने बताया कि एक भी सीट नहीं खाली, लगभग पूरे एंड टू एंड सब पूरे कोचेस फुल है। और थर्ड AC में उन्होंने बोला कि सब RAC है, क्या बोले अब पॉसिबल नहीं होगा। तो हम जाएंगे अभी स्लीपर क्लास में, स्लीपर में एक तो जगह होगी क्योंकि इतने सारे कोचेस है। तो अभी फाइनली डिपार्ट होने का टाइम आ चुका है हमारे को, और हॉन्ग भी हो चुका है, तो चले ही चलते हैं। चलो, गाड़ी निकल चुकी है एंड वी आर डिपार्टेड फ्रॉम चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन, और करते हैं हमारे सफ़र की शुरुआत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तंबरम। Meanwhile, अभी लगभग 60 किलोमीटर की जर्नी कम्प्लीट करने के बाद अभी हम आ चुके हैं चेंगलपट्टू जंक्शन पे। और चेंगलपट्टू का नाम पहले था चेंगलपट्टी, ऐसा कुछ तो था। और यहाँ पे बस 2 मिनट का स्टॉप है, और बहुत हालत ख़राब है, क्या बताएं, बैठने को नहीं मिल रहा, पूरी गाड़ी फुल है। TC से बात की बट अभी तक TC सर आए नहीं है, क्या करें यार। दो बार हमने ट्राई किया कि भाई एक बार तत्काल में, तत्काल में भी नहीं हुआ, जनरल कोटा में निकाला वो भी नहीं हुआ, क्या करें, लकी नहीं है भाई। तो ये हमारा कोच है, इसमें हम यात्रा कर रहे हैं, इधर खड़े हो गई, अभी हम चेंगलपट्टू से निकलने के लिए तैयार है। पता ना भाई कैसा लग रहा है, बहुत अभी तक तो खराब एक्सपीरियंस चालू है। क्या करें भाई, आएंगे तब देखेंगे। हाँ, चेंगलपट्टू है अभी तो, चलो। तो अभी एक सीट मिल गई, मतलब 2 सीट मिल गई, अभी जगह मिल गई है, लेट्स सी वो कब तक मिली है। तो एटलीस्ट बैठने को मिला थोड़ा बहुत। 3 hours later. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, और अभी सुबह के बज रहे लगभग 6:25, और अभी हम आ चुके हैं मन मदुराई जंक्शन। तो अभी हम आ चुके हैं मन मदुराई स्टेशन पे, और लगभग 15 मिनट हो चुके हैं आके, सिग्नल नहीं मिला है, और कितनी खूबसूरत सी सुबह हो रही है देखो, और लगभग पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है मन मदुराई पे, सब लोग उतर चुके हैं, इधर पूरा खाली हो चुका है, और तो इधर हमारी सीट है खाली।
अभी हम आ चुके हैं रामानाथपुरम में, और रामानाथपुरम से हमारा मेन सफर शुरू होने वाला है। मतलब मेन जो पामन वाला जो ब्रिज आपको दिखाने वाला, वो इधर से आगे आने वाला है। आगे मतलब थोड़े से एक दो स्टेशन के बाद आप बाय रोड जाते हो, जैसे कि मैं बाय रोड गया था लास्ट टाइम, तो रामानाथपुरम से ही होकर जाते हो। आपको मैप्स में अगर आप सर्च करोगे तो रामानाथपुरम से सीधा रोड जाती है और सीधा वही रेल ब्रिज और रोड पैरेलली जाते हैं अंदर। तो इसके बाद हम मंडपम में रुकने वाले हैं, फिर मंडपम के बाद में हमारा एडवेंचर शुरू होने वाला है। तो बस वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, मैं सबका एकदम आपको अच्छे से नज़ारे दिखाने वाला हूँ। अभी हम आ चुके हैं मंडपम में, और मंडपम के बाद हमारा पामन ब्रिज शुरू होने वाला है। और धूप देख सकते हो आप, पूरे सर पे चढ़ चुकी है और मज़ा आने वाला है यार। भाई इतने एक्साइटेड है हम, इतने एक्साइटेड है क्या होता है। और सफ़र इतना सही जा रहा है ना भाई। अब साइड में हमारे देखो, इधर से समंदर दिख भी रहा है। देखो बाई रोड जहाँ से आप जाते हो ना, जब मैं लास्ट ईयर गया था, इधर से ही सीधा ब्रिज जाता है, सीधा उधर जाके पामन ब्रिज शुरू होता है, वो आप उधर सी भी देख सकते हो। तो अभी देखते हैं यार, मस्त है यार भाई, मज़ा आ रहा है भाई। अगर आप आ रहे हो ना सच में, तो ज़रूर एक बार बोट मेल में सफ़र करना। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, ध्यान में रखना, अगर आपको बोट मेल में सफ़र करना है, तो कोई भी चेन्नई से रामेश्वरम जाने वाले ट्रेन में सफ़र करना है कभी भी, तो प्लीज़ एडवांस में रिजर्वेशन कीजिए। हमने तत्काल में सेकेंड ए सी बुक किया, वो भी कन्फर्म नहीं हुआ, और जनरल वेटिंग तीन थी, एक दो पे आके कैंसिल हो गई। तो नाउ वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मंडपम, और पामन ब्रिज अब कुछ ही देर में आने वाला है, मज़ा आने वाला है भाई। मतलब एक हर एक ट्रैवलर का ड्रीम होता है कि एक बार पामन ब्रिज से गुजरे ट्रेन से, तो आज हम वो फुलफिल करने वाले हैं। मोर देखो, मोर नीचे पानी देख लो कितना कितना, मतलब क्रिस्टल क्लियर पानी है। इधर से इतना डीप नहीं है, आगे से बहुत डीप होता है पानी। और यहाँ पे आप देख सकते हो नया पुल बन रहा है।
अभी हम आ चुके हैं पामन में और कैसा लगा यार ब्रिज, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना यार। इतना सुंदर ब्रिज था और साइड में नया ब्रिज बन रहा है तो वो भी जल्द शुरू होने वाला है भाई, एकदम सुंदर। मतलब एक बार लाइफ में जरूर विजिट करना पामन को, वाया ट्रेन और वाया कार, बाय रोड भी कर सकते हो। तो भी इसके बाद सीधा पे मिलता हूँ मैं रामेश्वरम पे, रामेश्वरम पे लास्ट हॉल्ट होगा हमारा। कैसा होता है तो जैसे कि अभी हमने पामन छोड़ा ना, पामन जंक्शन है एक्चुअली। जब यही बोट मिल पहले मतलब 1990s में जब चलती थी तो पामन से सीधा धनुषकोडी होकर सीधा कोलंबो जाती थी, मतलब पामन से सीधा धनुषकोडी होकर सीधा कोलंबो श्रीलंका में जाती थी। बट फिर बाद में जो सुनामी आई, उसके बाद जो साइक्लोन आया, उसके वो वाली दिक्कत से फिर वो ब्रिज पूरा गिर गया था, इसलिए इसकी वजह से वो तब से डिसकंटिन्यूड है। पता नहीं अब शुरू करेंगे या नहीं, होप शुरू हो जाए यार, मजा आ जाएगा। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चेन्नई से लेकर रामेश्वरम तक, और अभी हम आ चुके हैं इंडियाज लास्ट लैंड, जी हाँ रामेश्वरम में। और रामेश्वरम ये है टापू है, मतलब एक आइलैंड है, इंडिया के मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है, बस एक पामन ब्रिज एक ही है और जो साइड में रोड ब्रिज है वो बस दो ब्रिज है जो इंडिया से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। तो अभी चलते हैं हमारे लोकोमोटिव के पास, आपको दिखाता हूँ लोकोमोटिव कैसा है हमारा। क्योंकि रात को तिरुचिरापल्ली में लगा था और हम सोए थे रात के 3 बजे, तो चलते हैं उधर जाके फिर आपको व्लॉग एंड करता हूँ मैं। तो ये था हमारा पोनमलाई लोको शेड का TNV, 2 मिनट तो वो रही हमारी ट्रेन। और रामेश्वरम एक टर्मिनल स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ इधर आती है, टर्मिनेट होती है ना तो फिर ओरिजिनेट होती है। तो उधर देखो और एक GOC का, और हमारा TNP ट्रांसफर्ड है GOC को। बट यार क्या राइड रही, क्या राइड रही पद्मनाभ भाई, कैसे रही? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि दिसंबर से पहले आए लोगों को, पोल्स लगने से पहले। दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैं आया हूँ फिलहाल मेरे होटल में, होटल राघवेंद्र, आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाद में कैसा लगा यार वीडियो जरूर मेरे को एक बार बस कमेंट करके बता देना यार, मेरी इतनी सारी मेहनत लगी है, कंटिन्यू शूट किया हूँ, मेरे को अच्छा लगता है यार शूट करने में भी, और इतना सही है। मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा आपके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप ज़रूर एक बार रामेश्वरम विजिट कीजिए बाय ट्रेन, बहुत आपको मतलब लिटरली बहुत मज़ा आ जाएगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है रामेश्वरम का और अच्छी अच्छी चीज़ें, धनुषकोडी वगैरह देखने वाले हैं, राम सेतु देखने वाले हैं। तो व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। तो चलो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।